वेरी गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। कल संगीत था और संगीत में सब लोग बहुत नाचे, हम लोग भी नाचे। फिर आना को लेके घूम रहे थे, खाना वाना खाए। फिर रात को आफ्टर पार्टी था। आफ्टर पार्टी में आरती नहीं आई, आरती और आना सो गए थे। देखो आरती अभी भी लेजी मूड में है। गोवा के सब लेजी हो जाते हैं ना। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो लेजी अच्छा नहीं, बट अच्छा लग रहा है। लग रहा है। एंड एक्चुअली मोर देन अच्छा, आई एम जस्ट थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। हाँ, और फिर हम लोग यहाँ पे बालकनी में आके थोड़ा सा उठे हैं जल्दी। तो मैं कॉफी पी रहा हूँ, आरती अपना ग्रीन टी पी रही है। और मैंने सोचा आपको एक अच्छी चीज बताऊँ। यहाँ पे बालकनी के सामने ही यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है। अभी आर्टिफिशियल है, रियल है वो हम लोग मालूम नहीं। देखिए ये बड़ा सा, हाँ रियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोइंग वाटर दिख रहा है मेरे को। देखिए आज हल्दी है एंड अभी ग्रीन टी पी के हम लोग थोड़े से फ्रेश अप होंगे, बट हम लोग वेट कर रहे हैं आना उठे, बिकॉज आना सो रही है। और और बहुत अच्छे से सो रही है। कल बहुत पानी में खेली यहाँ पे बाहर। हाँ, स्विमिंग पूल वगैरह भी है। तो आना की आना नानी, हैड अ ब्लास्ट कल विथ हर आना की नानी उसको मौसीज। लेके गई थी। तो जो पहनी थी उसी में वो चली गई पानी में, और हम लोग दोनों उठे, हम लोग सो रहे थे, सोचे कि 10-15 मिनट का नैप ले लो, उतने में फोन आया, आना पानी में चली गई है, उसको नहाना था, खत्म। हम लोग यहाँ से उसका कॉस्ट्यूम वगैरह सब लेके गए, लेकिन उतनी देर में मैडम पानी में चले गए और बाहर नहीं आ रही, तो बहुत थक गई थी आना। तो हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। कोई भी 5-स्टार प्रॉपर्टी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहता है वो होता है उनका ब्रेकफास्ट। तो आइए मैं आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट का स्प्रेड दिखाता हूँ। यहाँ आप लोग जैसे देख सकते हैं, वाटरमेलन जूस, मौसम्बी जूस, मसाला छाछ, कोल्ड कॉफ़ी, यहाँ कर्ड रखा हुआ है, योगर्ट है और ढेर सारे फ्रूट्स के ऑप्शंस। ये सेरेलैक, ओट्स और उसके ऊपर टॉपिंग करने के लिए कुछ बेरीज, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स रखे हुए हैं। उसी के साथ रखे हुए थे टी केक्स, ब्राउनीज, डोनट्स और साथ में क्रोसैन और ब्राउन ब्रेड। ये है पराठा काउंटर। पराठा काउंटर के बाद ये है लाइव डोसा काउंटर। प्लेन इडली, मेंदू वड़ा, वॉफल एंड पैनकेक्स। ये है मसाला पोहा, रवा उपमा, गोहन भाजी, ओट्स, वेजिटेबल स्ट्यू, वेजिटेबल इन वाइट सॉस, फिर आता है कचौरी, फिर कढ़ी। कान में ना काकुस लगा दो, अगर बहुत गंदी गंदी बनाए आदत है तो। ये हाँ आरती कहाँ है? तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन तुम घूम ही जा रही हो क्या? है हल्दी के लिए और ये डांस कर रहा है, तो बहुत स्ट्रगल है मेरा। तो हमको ढूंढ रहे हैं हम, डबल टेप कोई मिल जाए या कोई चाची लोग या दादी कोई जुगाड़ कर या देंगे। कोई कोई ऐसा वो स्पिन वाला मिल जाए तो माथे से पिन को। नहीं, ये थोड़ा सा टिक जाए, थोड़ी देर, ज्यादा देर आदत नहीं है। नहीं, ये रहा गजब। तैयार हो गए, देखिए हम लोग दोनों हल्दी के लिए। आना चली गई है, अब हम लोग भी जा रहे हैं एंड बहुत अच्छा कार्निवल है, सो लेट्स नॉट मिस दैट। तो चलिए चलते हैं। चलते हैं,
चाचा बहुत सरप्राइजेस दे रहे हैं और खुद भी सरप्राइज हो रहे हैं क्योंकि जो सोचा नहीं था वो आ गया, जो सोचा नहीं था वो आ गई। आपको दिखाते हैं, आइए। हाँ, क्योंकि कुणाल बहुत खुश हो गया। आई एम शोइंग यू कुणाल के हल्दी का जो इवेंट है उसकी एंट्री, ठीक है। देयर इज अ जगलर, एंट्री में जगलर है और हमारा वेलकम देखिए कौन कर रहा है। आइए, ओके, लेट मी क्लिक द फोटोज आल्सो। ये चाची लोग भी रेडी हो गई हैं। चाची चाचा आपके साथ फोटो खिंचाए कि इनके साथ खिंचाए? इनके साथ। हेलो, हाय। आइए विनु चाचा, आप आगे पीछे जाइए ना, घूम रहे हैं सब। चाचा मौसा मौसा चाचा जी, फूफा जी भी इधर ही। हेलो, सारे जेंट्स यही घूम रहे हैं। ये निक्की आ गई, अभी आशी आएगी ना पीछे बैठ के। यस, हाय। ये अनीता चाची ने शुरुआत की कि सारी लेडीज लोग भी फोटो खिंचाएंगी। वाई शुड मेन हैव ऑल द फन। कुछ बोलो इनके बारे में। विद रशियन दीदीज, नहीं यूक्रेन ना। एक तरफ जहां सारी लेडीज अपने फोटो सेशन में बिजी थी, आहाना यहां पे खेल रही थी, तो दूसरी तरफ सारे मुंडे आशी और यश के स्वागत में कलर वाली गन लेके एकदम तैयार खड़े थे। 1 2 3 हाउ द जोश, हाउ द जोश। गोवा गर्मी और नारियल पानी, ऑसम कॉम्बिनेशन है ना। और ये हो गई यश और आशी की एकदम बॉलीवुड स्टाइल हल्दी वाली एंट्री। कबूतर रोज का पीना, सबने डांस किया, गेम्स खेले और फिर बारी आई यश और आशी को हल्दी लगाने की। तो देखिए सबने मिलके कैसे यश और आशी को हल्दी लगाई। उसी के साथ आहाना और दित्या ने भी इन रशियन दीदियों के साथ फोटोज क्लिक की। इसी तरह हंसते गाते खेलते मुस्कुराते ये हल्दी वाली रस्म भी कंप्लीट हो गई। तो हो गए हम लोग अभी बारात के लिए रेडी। और ये देखिए, ये है एज यूजुअल जिनके वजह से हम लोग को बहुत लेट हो चुका है। आना को बिंदी चाहिए। आना बिंदी लगाओगी? हाँ। कहाँ लगाओगी बिंदी? यहाँ पे। ये हमारी बग्गी आ गई जो अभी क्लियर नहीं है और हम लोग बग्गी में निकल गए, थोड़ा लेट हो गए। बग्गी इतनी पतली गली से निकल रही है ना, ऐसे हमें बनारस की गलियाँ याद आ रही है कि वहाँ तो गोवा में बनारस याद आ रहा है इनको। लेकिन वहाँ जाते ही पहले एक चीज फिक्स करनी है, विच इज माय दुपट्टा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं संभल रहा है। तो वो एक करना है, मैंने जैसे तैसे लपेट लिया है ढके की, बस टिक जाए, बिकॉज वी आर वेरी लेट, वेरी वेरी लेट। चलिए आइए आप मेरे साथ भी एक्सपीरियंस कीजिए ये क्लासी और रॉयल बारात का, क्योंकि ऐसी बारात हम सबने कभी मुंबई में तो नहीं देखी होगी। बारात में जो इतना नाच गाना हो रहा था, उसकी एनर्जी देख के जो गोवा घूमने आए
सारे फॉरेनर्स भी आके हमारे साथ डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बारात के बाद आई दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाने की बारी, और इसके लिए जो उनकी स्टेज वाली एंट्री थी वो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो आज है हम लोग का गोवा का लास्ट दिन, और यहाँ पे आज सुबह हो रहे हैं बीच साइड फेरे। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्व आदि साधके सर्वे तुम्हें गौरी। तो देखिए सुबह फेरे वेरे हो गए और फेरे के बाद अब गोवा से अलविदा कहने का टाइम आ गया है। और कुणाल का हार्ट कितना है भैया, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इसमें सारे जो हमने पहने थे शू बैग्स, जो सारे शूज भी गंदे हो गए, सब में मिट्टी लगा है, सारे कपड़ों में मिट्टी लग गया है, गोवा की सैंड लग गई है, ये सारे जो बचे हुए कपड़े हैं, आना के तो अलग ही कपड़े चल रहे हैं। अरे ये कपड़ा लाके इधर गीला डाल। तो आज है यश और आशि का रिसेप्शन जो है ठाणे सूरज वाटर पार्क में, और हम लोग आए हैं रिसेप्शन के लिए। और यहाँ आते ही हम लोग ने देखा यश और आशि का एक बहुत ही अच्छा डांस, और फिर बाकी सब लोग भी डांस करने में मगन हो गए। और अब हम पकड़ेंगे पापा को। पापा आप क्या क्या खाए? स्नैक्स तो सब ट्राई किए लगभग, साउथ इंडियन डिशेस हैं और मिठाई तो मैंने सब टेस्ट की। यू मस्ट सी द स्प्रेड, बहुत ही दमदार है, आई थिंक सो। एंड कोई भी चीज आप भूल नहीं सकते कि ये आप उनको ट्राई मतलब मिस आउट नहीं कर सकते, आप ना ही आप उसको मिस आउट कर सकते हैं और ना ही आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब टेम्प्टेड है सब, हर चीज खाने के लिए आप टेम्प्टेड है। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि आपको खुद को चीट करना पड़ेगा खाने के। हाँ, बट अब मीठा अभी तक नहीं खाए, अभी तक खाना भी मत। देखो पापा का रिएक्शन। ओके सो हम आपको दिखाते हैं कैमरा उस तरफ करके, बिकॉज हम लोग की शक्ल पे खाना नहीं दिखेगा, तो हम लोग के मुंह में पानी दिखेगा आपको। तो चाची भाग रही हैं पानी पूरी खा के, और चाची बस बोली कि पानी पूरी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बहुत। सो हियर इज द पानी पूरी का काउंटर, वन इज विथ रगड़ा पैटिस मूंग वाला। हेलो कैसे है जो इंजॉय कर रहे हैं पवन अंकल? यस, एंड पानीपुरी में भी यू हैव मूंग वाला भी और मटर वाला भी, और उसके अलावा आप और इंजॉय कर सकते हैं, ये है आगरा की चाट, जो ये है नमकीन रसमलाई एंड पूरा, और ये गरम गरम यहाँ पे रगड़ा पैटिस कुरकुरी भी है, और ये लखनऊ की है करारी टिक्की जो बहुत दमदार है, ये लखानी स्पेशल। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये बताइए आप क्या है? चोखा की फांकी है, ये चावल के आटे का बना हुआ रहता है, और इसको पुदीना की चटनी और अचार के सालन के साथ खा लो। ओके सो ये किस तरह से दिखता है दिखा दीजिए एक बार।
यस, ये देखिए ये इस तरह से पत्ते पे बन रहा है, वो आई थिंक सो चावल का बैटर है, राइट? यस। ओके, सो ये एक है, कुछ अलग स्पेशल है, चोखा नी पांखी। ओके, दिस इज बाजरा मसाला उत्तपम। सो ये रहा बाजरे का, आई थिंक सो बहुत लोगों को रहता है कि भाई चावल नहीं खाना है यहाँ, सो दिस इज बाजरे का उत्तपम, ये रहा। ओके, हियर इज द बारबेक्यू, और उसमें है आलू चटनी वाले, देन ये सिजवान मशरूम, दिस इज कैप्सिकम, पनीर कैप्सिकम, ये सारा सैलेड्स है, दिस इज तंदूर ब्रोकली, पनीर चटनी वाले, पनीर क्या, दिस इज पाइनएप्पल एंड बेबी कॉर्न गाइज। सो ये पनीर, सो आई थिंक सो कितनी चीजें हम ट्राई नहीं की है अभी तक जो हमको करनी है, ये तो पानी जो ठंडा देखना भी नहीं है अभी। हियर इज द साउथ इंडियन, एंड इन्होंने कितना अच्छा एक फील भी दिया है, ये देखिए। और उसके बाद ये क्या है, चारकोल ब्लास्ट इडली, इसमें क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर चीज है, फूड। ओके, शी इज द मॉमी टू बी, महिमा। महिमा आपने क्या क्या टेस्ट किया पहले बताओ? अच्छा बताओ, खाना जो खाई वो कैसा था? ओके, निखिल भैया है लाइन में, सो निखिल भैया आप किस चीज का वेट? डोसा का वेट कर रहा हूं। आइडली हर जगह पे डोसे की कितनी डिमांड रहती है ना, बेस्ट थिंग इन एनी शादी इज डोसा, एंड फेवरेट होने वाला है। यस, डोसा पानी पूरी, यस दोनों, एंड अभी चाट दिखा के आए हम। सो ये कितने इंटरेस्टिंगली दिखा दे रहे हैं सबको, कुल्हड़ में नया ट्रेंड है। हाँ एक्चुअली, नो 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 नो, ये आ गई मेरी गुड़िया हमको ढूंढते ढूंढते। ओके, और ये देखे कितने बढ़िया से बना रहे हैं, एक सेकंड, ये रही चटनी। और क्या है इसमें लेयर? बता दो। पिस्ता है, पिस्ता का लेयर है, और वो अपना आइसक्रीम है। अरे वो ये टेस्ट करके बताओ, क्रीम है, ये कुछ अलग आइटम है, ये आप टेस्ट करके बताइए। इनको एक पीस दीजिए, ये लीजिए, पेठा पिस्ता ट्रायो ऑन कोल्ड स्टोन। ओके, ये क्या है, ये आप वही बना रहे हैं क्या? अच्छा, ये गुड़ पंकी, नॉलिन गुड़ पंकी, नॉलिन गुड़ पंकी, थैंक यू। ये रहा घेवर मोतीचूर संडे, तो ये देसी देवर है, इसको थोड़ा सा वेस्टर्न टच दिया है डेजर्ट्स को, एंड रोज खीर विद पिस्ता, आई थिंक सो, बापरे। ये रहा अमृतसरी स्पेशल छोले, वेर इज द कुलचे, कुलचे कहाँ है? अच्छा कुलचे वो आ रहे हैं, आप वो भी देखिए कि कितना टेम्पटिंग है। और ये रहे, ये तो रोटी वाला है, कुलचे यही है, अच्छा सॉरी माय बैड। बाकी बेसिक खाना, दाल मखनी, नॉट टू मिस लस्सी शॉट्स, ये तो नॉर्मल हर जगह होता है। सब्जी में वी हैव जयपुर मटर, आलू पनीर, मिक्स वेज उत्तरांचल, स्टीम राइस, दाल तड़का, घी पापड़ चूड़ा, खिचिया पापड़। ओ गॉड, दिस इज जैन फूड काउंटर, सो बहुत लोग रहते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हमारे शिव कुमार चाचा वाली चाची अनीता चाची नहीं खाती हैं, तो वो उनका है। ये रहा नाइट्रो चिल आइसक्रीम, सो ये बताइए थोड़ा,
कुछ इंटरेस्टिंग है ये हो जाएगा, थोड़ा पीछे जो वीडियो जाएगा। हाँ ये यूट्यूब हो जाएगा, ये मजा ये कुछ नहीं वो यूट्यूब पे डालेंगे। ओके ये तो ड्राई आइस वाला है ना, मैडम लाइव आइसक्रीम यहाँ पर बनती है, लाइव आइसक्रीम। सो ये कौन सी बना रहे हैं? थ्री फ्लेवर्स, अमेरिकन नट्स, देन वी हैव ऑरेंज चॉकलेट एंड ओरियो कुकीज एंड आइसक्रीम। हाय जलील, हाय। वो देखो आइसक्रीम बन रही है, देखो आना आइसक्रीम खाएगी आना, कौन सी खाएगी? दो साल की हो गई, आना आइसक्रीम खाएगी, इसको ओरियो वाली दे दो, कुकीज एंड क्रीम वाली, आना आइसक्रीम, ये आ गई। पानी ले लो। आना कौन सी खा रही है? थैंक यू बोलो। वेलकम, जल्दी जल्दी मेरे घर पे खूब सारी मस्ती करेंगे टेडी बियर के साथ में। बोलो जलील मामा, आप खुद ही टेडी बेयर हो। ओके इसके अलावा मैंगो चीज केक, ये कौन कौन सी है? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रेसबेरी, ये आ गई। अच्छा क्या क्या ट्राई किया और क्या क्या बेस्ट बेस्ट लगा? बेस्ट आइसक्रीम, अच्छा आई थिंक सो एक एक चीज ट्राई करते करते पेट भर गया और भी बाकी आ गया है, बहुत कुछ टेस्ट करना बाकी है। हाँ एक्चुअली नहीं वहाँ का सब बाकी है, बस यहीं से खत्म करते हैं। ये रहा मैंगो टैंगो, ये कर्ड के साथ है क्या? क्रीम। ओ हाय, नमस्ते। ये जो है ये हर काउंटर पे जाते हैं और अपनी कहाँ गई प्रिंसेस के लिए बेस्ट चीज सिलेक्ट करके लेके जाते हैं। सो पापा टू बी एंड ही इज सो हैप्पी एंड आई लव द वे ही इज पैम्परिंग हिज वाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। की बीवी को इतना प्यार करना चाहिए ताकि बच्चा अभी से सीखे कि अरे मेरे पापा तो बेस्ट है। थैंक यू सो मच दीदी, एंजॉय। हमारी यूथ टीम, ये देखो एक जन भाग गए वहाँ से, उसका शादी होने वाला है ना इसलिए। अरे क्या क्या खाया डांस ब्लॉग नंबर कौन सा है? वो कौन सा निशु डांस? हमको याद नहीं है कुछ, हमको कुछ याद नहीं रहता है, वो एडिट का डिपार्टमेंट मेरे पति। सो देर आर मिल्क शेक्स एंड अच्छा दिस इज स्पेशल मैंगो बार डेडिकेटेड टू मैंगोज, दीज आर फ्रेंच डेजर्ट्स एंड यहाँ पे बच्चे हैं, इसका मतलब कि केक है ना, देखो सबके हाथ में केक है, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। कैसा है दादा? लाजू नको, सो यू कैन सी द टाइल्स पे दे रहे हैं, मतलब अलग वजन उठाना, प्लेट का वजन कम था जो अब टाइल्स का भी वजन आ गया है ना, मसल्स बन जाएंगे अच्छे से। हाँ ये रहा पान स्टॉल प्लस माउथ फ्रेशनर और ये मेरे फूफा जी हैं। फूफा जी आप तो पान की दुकान पे टिक गए। फायर पान आप ट्राई किए? एक और खिलाओ भाई फूफा जी को। देखो आप वीडियो निकालो। हाँ हाँ निकाल रहे हैं, इधर से निकालो तो अच्छा है। आराम से भैया, हाँ मेरी बुआ हमको बहुत प्यारी हैं। आराम से फूफा जी, वैसे फूफा जी की दादी नहीं चाहिए, जेंट्स लोग वैसे भी रोज आग से खेलते हैं ना। नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे अभी, हम खाना खाना बाकी है। यस ये क्या है? ये ये सारा पान, हैदराबादी मसाला पान, कलकत्ता मीठा पान, फायर मीठा पान। ये खाने का एक सेक्शन था,
बीच में भी एक सेक्शन है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टर्स, वो हम आपको दिखाते हैं. सो दिस इज चिली सॉस शॉर्ट्स विच इतना अतरंगी नाम है, आई एम सॉरी बट हम थोड़े देसी वाले इसलिए आप हमको इसका नाम बता दीजिए. चिली एम्पनाज़. इसमें बेसिकली है क्या वो बता दो यार. पैटीज के जैसे पफ वाला. ओके जो पफ हम लोग बचपन में खाते थे बेकरी वाला वो है. सो दिस इज स्क्यूअर वाला. अच्छा फ्रूट वाला है ये तो पता है. ब्रेड स्टिक्स है, ये डिप है, ये रहा, ये क्या है. अच्छा नाम कितना इतना टफ है कि इंसान आएगा फट से खा लेगा और बोले अच्छा है. सोफ्रिटोस अला अरेस क्या है ना, सही बोले कि कुछ गड़बड़ किए. ओके ये देखो हमारी बच्चा पार्टी इधर खा रही है. हाय ज्योति. हेलो. ओके एंड फिर और क्या है. ये लोगों ने बहुत तारीफ किया है जो ये सेक्शन है. ग्लास नूडल्स इन सोया सिजवान. इसको उठा दीजिए थोड़ा दिखा दीजिए. यस यस ये बहुत अलग अलग टाइप के नूडल्स आ जाए और बहुत लोग इसकी बहुत तारीफ हुई है. इसका नाम क्या है. सवा नूडल्स इन कोरिएंडर सॉस. सो ये बहुत तारीफ कर रही थी. आंचल ने इसकी तारीफ की थी. दिस इज फार थाई नूडल्स इन ओरिएंटल सॉस. ओके सो ये चाइनीज है. ये बहुत अच्छा था, ये हम भी खाए थे. दिस इज पैन फ्राइड नूडल्स इन क्लियर एक्सॉटिक वेज ग्रेवी. सो ये बहुत अच्छा था. एक्चुअली ये सेक्शन ना मेनली आई थिंक सो डेडिकेटेड है बिन्नू चाचा को बिकॉज ही लव्स थाई एंड कॉन्टिनेंटल एंड इन फैक्ट फॉर दैट नोट मेरी भाभी भी. कैन यू शो मी. ओके डिम्सम्स है. दिस इज स्पिनच चीज पिस्तो. दिस इज वाटर चेस्टनट कॉर्न एंड दिस इज एग्जॉटिक वेजिटेबल्स. यम. सो अब हम चलते हैं सूप के सेक्शन में. अब हम आ गए हैं सूप के सेक्शन में. यहाँ पे है अच्छा सेम है. सो दिस इज पॉपकॉर्न टॉर्टिला सूप और इसमें हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं क्या है ना. ये देखिए ये वो इस तरह से डालते हैं और पिलाते हैं सबको और आगे आपको दिखाते हैं. ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक हम ही है जो इतने शौक से एक एक चीज खाए हैं और मजा ले रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं. यहाँ पे मेरे चाचा है और बाबा लोग हैं जो बहुत चाव से खा रहे हैं. आलोक चाचा आप शुरू से लेके एंड तक हमको सिर्फ सूप के स्टॉल पे दिखे हैं, ऐसा क्यों. बाबा खा चुके हैं, बाबा की शक्ल से पता चल रहा है एंड बाबा इज वेरी हैप्पी है ना. सूरज चाचा आप, संजय चाचा सॉरी संजय चाचा आप डन. दिनेश चाचा सूप. प्रेम भैया क्या खा रहे हैं. ओ अच्छा ये डोसा मटके में था राइट, मजा आया. ओके उसके अलावा हम सूप कंटिन्यू करते हैं. सो दिस इज ये डायरेक्टली लेमन सूप आपने क्यों नहीं लिखा है जो उसके आगे हम पढ़ नहीं पा रहे. इट्स इडमामी. व्हाट इज इडमामी. अच्छा ये इडमामी है. ओके ये एक तरह का कोई होगा चीज. जो है सासू है आशी की, चाची सास है सब. तो आप लोग को कितनी खुशी हो रही है कि और एक बहू आप लोग के लिए आ गई है. मेरी तो पांचवी बहू है. सबकी पांचवी हुई. तो आप लोग अपने आप को और कितना जवान महसूस कर रही है. 16 साल. बड़ी दादी यहाँ पे है. ठीक है इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता. बहुत प्यार करते हैं. 1 2 3 वो सब खाले खा लिए डकार मार के अब घर जा रहे हैं और हमारे बच्चे अभी तक सोए नहीं है. वो देखो फोन पे, वो देखो वो अपनी मम्मी का पर्स खोद रहा है. ये तो इधर तो अलग ही दुनिया में. वो देखो बेटे के लिए पति के लिए रखे. बेटे को कौन देता है. आज मेरे बेटे प्रशांत का बर्थडे. ओह
हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, दावत निक्कू राशि की शादी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। वापस जा रहे हैं, अब हम लोग की हालत देख सकते हैं, मेरी हालत खाना खाती हुई है, आना की हालत देखी, आना की सॉक्स पे पहन करो, सॉक्स दिखाओ अपना, शाबाश। ये खेल नहीं है, और सिर्फ इनके पापा एक हैं जो एकदम जगह जगह हम आपको दिखाते हैं इनके पापा। हाँ, बहुत पापा के शूज भी पूरे मिट्टी वाले हो गए, बट अब बाय बाय, गुड नाइट। सो यहाँ पे ये व्लॉग खत्म होता है, हमने बहुत खाया, बहुत मस्ती की, आना मजा आया। सो वी होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आना भाग रही है, हम लोग जा रहे हैं, टाटा।